हेलो स्टूडेंट्स, 12.2 एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं आपां। तीसरा क्वेश्चन देखो, घटाओ करनी है आपां। पहले क्वेश्चन की करना, वाई स्केयर के -5y2 नूं घटाना है, मतलब वाई स्केयर -5y2 जिन्हें घटाना उन्होंने थले लिख लो। हुण इहदे विच देखो, जदों आपां नंबरस नूं आपां संख्यावां नूं अंकां नूं घटाने, जिदा 4 दे विचों 5 चों 4 नूं जदों घटाने आ, ठीक है, आपां इत्थे माइनस का निशान ला लैंदे आ। घटाओ करदे आ तां कितना आ जांदा अपने कोल, एक आ जाता। इदा ही अगर मान लो कि 5 के विचों -4 नूं घटाउणा होए तुसीं, ठीक है, तो आप करते हैं 5 के विचों 4 नूं घटाया कितना आ गया, एक आ गया। हुण इहदे विच किदां करते हैं, जदों आपां इहनूं घटाउणा आ इहदे विच निशान नूं बदल लैणा आपां, ठीक है। निशान नूं जे माइनस का निशान उहने प्लस हो जाणा, प्लस वाले निशान ने माइनस हो जाणा। देखो इहदे विच अपने कोल 1y2 प्लस तो 5y2 हो गया, माइनस का निशान जो पहला वाला निशान वो नहीं लेना, हूँ तुम नवा निशान लाओगे। यदा भी प्लस का निशान, थले वाली का भी प्लस का निशान जुड़ जाने, यदा मतलब कि आ गया 6y2। y2 इदा ही आएगा, 1 ते 5 जुड़ के कि आ गया 6। नैक्सट विच देखो, -12xy 6xy घटा, -12xy 6xy थले लिख लिया। हूँ देखो, जिन्होंने घटा 6xy घटा निशान बदलना, क्योंकि इतने प्लस का निशान से इन्हें की हो जाना अपने को माइनस का। हुण इहदा तुसीं निशान प्लस तां नहीं यूज़ करोगे, माइनस का निशान यूज़ करोगे। उपर वाले भी माइनस ही आगे, थले वाले भी माइनस ही, जो सेम निशान होने तक की हो जाना जुड़ जाना, मतलब 12 च 6 जुड़े अपने को 18 नाल एक्स वाई चल रहा, तो एक्स वाई लिख लिया, तो माइनस का निशान है, इस करके माइनस का ही आना है। नैक्सट वाले जी देखो, a+b दे विचों a-b ने घटाना, तुसीं इहदे थले -b लिख लिया, इहनूं घटाना मतलब ना निशान बदलो। यदा प्लस का निशान से यदा बदल के माइनस का हो गया, माइनस वाले का प्लस हो गया। हूँ देखो, उपर वाले का प्लस का निशान है, थले वाले का बदल के आ गया अपने को माइनस का, कट हो गए हैं प्लस माइनस, क्योंकि उल्टे निशान दे आ, इस करके कट हो जाने हैं, इको जे आ पूरे पूरे। एक प्लस थी है, थले वाले भी देखो प्लस थी आ गई, यदा मतलब दोनों का निशान प्लस थे, मतलब जुड़ जाना है। उपर एक बी कला पिया, मतलब नाल एक पिया आ, थले बी कला मतलब एक पिया, नाल की आ गया 1 ते 1 2 बी, प्लस का निशान है, सरके आंसर का निशान भी प्लस का। इदे तुम नैक्सट वाले भी करने हैं। ये देखो, b5 - a की कर लिया, पहला b अंदर लैके गुणा कर लिया, b5 ना भी गुणा किया, फिर b a ना भी गुणा किया। देखो 5 b ना गुणा किया 5b, -a b ना गुणा किया ab, ठीक है, इदे रखने तुम। ये भी देखो, ab गुणा कर लिया, a ते 5 गुणा करके -5। हुण जदों घटाउणा आ 5b, क्योंकि ये घटा आप इनू 5b - a b उपर लिख लिया, a b - 5 a। हम जो घटा ये चीज़ ध्यान रखनी, इको जी चीज़ा थले रखनी एक दूजे के। देखो पिछले भी आप थले a वाली, b थले b वाली, y² थले y² xy दे थले xy वाली। ये देखो 5b - a b लिख लिया, जो थले वाले देखो a b वाली थले लिख लिया, 5 a इधर लिख लिया आप, क्योंकि ये नाल दी ये मैच नहीं हो रही, इस करके इधर लिख लिया अलग तो। हुण इन्हां दे निशान बदलने आ, ab दा निशान बदल के प्लस दा निशान सीगा माइनस आ जाणा, माइनस वाले दा प्लस हो गया। इहदा निशान नहीं बदलना जिहड़ी उपर पई आ, ठीक है, इहदा कोई निशान नहीं बदलना। ये जिहड़ा 5b आ वह एज इट इज़ आएगा प्लस दा, उस तो बाद उपर माइनस दा ab, थले भी -ab, -2ab, प्लस दा 5a आ गया अपने को। उस तरह बाकी क्वेश्चन तुसीं देख लैणे आ, ते तुहाडा होमवर्क आ, ठीक है। दो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए आ, दो क्वेश्चन देख के तुसीं हल सॉल्व करने आ। इहदे विचों फोर्थ दा ए पार्ट देखो, 2x2 + 3xy प्राप्त करन लई इहदे विचों कहिंदे की जोड़ना चाहिए है, मतलब इस रकम दे विच की जोड़ना चाहिए है। मान लो कि असीं इहनूं प्राप्त करन दे लई टी इहदे विच जोड़ रहे हैं। देखो इहदा मतलब इहदे विच आपां टी जोड़ रहे हैं, टी जो जोड़ांगे अपने कोल ये जो टी जोड़ांगे, मतलब ये दोनों जोड़ जोड़ बराबर के होना चाहिए 2x2 + 3xy, ठीक है। हुण इहनूं की कीता आपां, टी नूं इधर रख लिया, इस रकम नूं दूजे पासे लै गए, माइनस का हो गया। जदों ने माइनस का होना, इहनूं ब्रैकेट में चक के पूरा इदां लैके जा रही हूँ, ठीक है, इन्हें इधर माइनस हो जाना, ये इदां ही रहेगी प्लस निशान च, मतलब टी बराबर है। देखो ये माइनस च हो गया, प्लस दूजी रकम प्लस च रह गई। हुण माइनस नूं अंदर लैके गुणा कर लिया, प्लस 2x2 + 3xy, क्योंकि बाहर तो प्लस का निशान है, जो ब्रैकेट खोलेंगे निशान बदलने नहीं, उही रहेंगे। तो हुण इहदे विच देखो, x2 वाली रकम है इधर, 2x2 घटाओ होके देखो 2x2
तो एक हैगी एक्स की पावर दो, मतलब देखो दो दे विचों एक माइनस किया एक एक्स की पावर दो नाल इदां ही होना, मतलब कल्ला एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वो लिख लिया आपां एक्स वाई वाली तो तीन एक्स वाई, मतलब एक नूं तीन चों माइनस किया क्योंकि उल्टे निशान है तो घटाओ होनी है, दो एक्स वाई आ गया। वड्डी निशान वड्डी रकम प्लस थी है इस करके प्लस का निशान आ गया। माइनस वाई पावर दो वाली कोई रकम नहीं है इस करके माइनस वाई पावर दो इदां ही आ गया अपने को। बी पार्ट देखो माइनस तीन ए जमा सत्त बी प्लस सोलह नूं प्राप्त करने लिए दो ए जमा अठ बी जमा दस विचों की घटाइए, मतलब ये हम घटाना है आपां कि आपां नूं आह प्राप्त हो, पिछले वाले क्वेश्चन जो जोड़ना सी इत्थे घटाना है, बस कुछ नहीं इन ये टी घटा लो बराबर कर लो, टी का मुल आपां पता कर लेना, आंसर तुसीं सॉल्व कर लिओ देख लिओ आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन तुसीं आप सॉल्व करोगे विचों की कढ़ना पएगा सेम उपर वाले क्वेश्चन की तरह आ। सिक्स क्वेश्चन के विच भी उन्होंने कहा कि तीन एक्स माइनस वाई जमा ग्यारह माइनस वाई माइनस ग्यारह के जोड़फल विचों तीन एक्स माइनस वाई माइनस ग्यारह घटाओ, मतलब दोनों जोड़ लो पहला, जोड़ के विचों तीसरी रकम घटानी है। देखो पहला मैं बड़ी ब्रैकेट लैके दोनों जोड़ लिया माइनस इन घटाना है आप इस करके ब्रैकेट ले लिया बाहर माइनस का निशान लैके, जो भी थोड़े को बहर माइनस का निशान आता है उदो तुम हमेशा ब्रैकेट लैनी लैनी है। अंदर देखो ब्रैकेट्स खोल के प्लस का निशान जुड़न वाले जोड़ लिया आप, इको जी रुक जोड़नी है जिदा एक्स वाली जड़िया होनी हुई उन्होंने ही तुम देखना है। जिदा देखो ये की है अपने को तीन एक्स आ एक्स वाली कोई रकम नहीं इस करके इदा गया, इधर माइनस वाई है इधर भी माइनस वाई आ की हो गया क्योंकि सेम निशान जुड़ जाने माइनस तो दो वाई प्लस तो ग्यारह इधर माइनस ग्यारह आ कट हो गए जीरो आ गया। फिर उस तो बाद माइनस तीन एक्स प्लस वाई प्लस तो ग्यारह इदा ही आ गया, इतों प्लस तो तीन एक्स माइनस तीन एक्स कट हो गया ठीक है खत्म हो गया। माइनस दो वाई के माइनस दो चो एक माइनस आप घटाया मतलब माइनस का वाई, उस तो बाद अपने को प्लस का ग्यारह ठीक है। आंसर बी पार्ट तुसी देख लियो ये घटाना है आप ठीक है, तो सामने आंसर सोल्यूशन पिया हो तुसी देख लेना है कि हल किया होया।